हे वेलकम बैक इंटरेस्टिंग पीपल्स टू अनदर वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग बायोम्स के सीड्स। तो जैसे डेजर्ट टेम्पल्स हो गया, मेसा बायोम सबसे रेयरेस्ट बायोम है, उसकी भी सीड बताने वाला हूँ, देखते रहना फिर। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे सीड्स जो है सीड्स में लिख लेना, उसके बाद क्या करना है, यूज़ एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले, कंटिन्यू करना, क्रिएटिव करना क्रिएटिव करो, सर्वाइवल करना सर्वाइवल करो। मैं अभी फिलहाल क्रिएटिव में कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हें सिर्फ दिखाना है। देखो अभी हम स्पॉन हो चुके हैं एक जगह पे। अब चलो सामने देखो, तुम्हें विलेज दिख रहा होगा, तो विलेज के पास डेजर्ट टेंपल होना चाहिए कि ऐसा मेरे को लगता है। चलो विजिट करके आते हैं वहाँ पे। सो चलो हम लोग आ गए डेजर्ट टेंपल की तरफ। ये देखो ऐसा कुछ है अभी। चलो इसे तोड़ो पहले, इसे 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 बस प्रेशर प्लेट में नहीं गिरना है, तैयार रखना। ओह एमराल्ड्स, नाइस। गोल्ड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। फेदर फॉलिंग, ये सही है, ये ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं था इस रेजर टेंपल में वैसे तो। आ चुके हम अपने दूसरे सीड की तरफ। ये देखो ये सीड है, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो मेन है यहाँ पे, डेजर्ट टेंपल। सो गाइस हम लोग आ तो चुके, चलो चलो विजिट करके देखते हैं इसे कैसा है, ये इसके अंदर चल के देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिल सकती चीज़ें। और मैं जितने भी ये सीड्स है ना वो सब मैं दे दूंगा तुमको, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। सो गाइस ये सबसे ओपी वाला होने वाला है, मतलब सबसे ओपी वाला था सेकंड ओपी, कि इसमें ऐसा बायोम मिला है जो बहुत ही रेयरेस्ट बायोम होता है शायद, ये मेरे हिसाब से ये मेसा प्लस मशरूम बायोम है, जहाँ पे हमको मशरूम वाली काउस मिलती है रेयरेस्ट काउ, मे बी वही है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे मशरूम ही मशरूम हर जगह मिल रहा है। और थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें मेसा बायोम भी मिलेगा, जो वो बायोम रहता है अलग अलग कलर के जो सैंड्स रहते हैं वो वाला बायोम भी है आगे, ये देख लो। और इसके बाद जो होने वाला है ना वो बहुत ओपी होने वाला है, उसके बाद वाला बायोम वो मतलब वो उसके बाद वाला जो सीड है ना, लास्ट सीड तो मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड का देने वाला हूँ, ताकि तुम्हें वो एंटार्क्टिका वाला जो बायोम है ना वो भी मिल जाए, ठीक है। चलो इसे देख लेते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट सीट की तरफ। चलो आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट सीट की तरफ। तो अभी देखो तुम कोऑर्डिनेट चेक करो, कौन से कोऑर्डिनेट में आए हो मैं स्पॉन होने के बाद उस जगह पे, ठीक है। 620 कोऑर्डिनेट में आया हूँ। तुम्हें आने के बाद यहाँ पे करना है, टाइप करना है /tp, टाइप करना है /tp, जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो टाइप कर दो। 486 485 100 1017, ठीक है। ये टाइप करने के बाद देखना तुम थोड़ी देर में पूरा एकदम जादू मैजिक हो जाएगा। क्या हुआ, पूरा चेंज हो गया, जो विलेज था ना वो मेसा बायोम में पूरा चेंज हो गया है। ये सबसे ओपी था, मतलब मेरे हिसाब से तो ओपी था ये, तुम्हें ओपी लगा कि नहीं लगा ये नहीं पता मेरे को, बट मेरे को तो ये ओपी लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तीन तीन बायोम है, एक ग्रास वाली बायोम है, एक डेजर्ट बायोम है और एक मेसा बायोम है। अगर तुम्हें ऐसी जगह पर मतलब मिल गया रहने को तो बहुत ओपी, क्योंकि ये बहुत रेयरेस्ट बायोम होती है, ठीक है, ये बहुत रेयरेस्ट बायोम होती है। अगर तुम्हें चालू करना है नए सर्वाइवल सीरीज या फिर कोई भी सीरीज, तो तुम लोग ऐसे बायोम में आ सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं तुम्हें देता हूँ अपने वर्ल्ड का सीड देता हूँ, तुम आके पूरा एक्सप्लोर कर लेना, मैं अपने वर्ल्ड का सीड देता हूँ तुम्हें। सो गाइस देखो मैं अभी आ चुका हूँ, जैसे मेरा कासल में स्पॉन होते हैं उस सीड के हिसाब से वहाँ पे स्पॉन हुआ मैं, वो मेरे रियल वर्ल्ड में नहीं हूँ, मैंने सीड डाल के तुम्हें प्रूफ के लिए दूसरे वर्ल्ड में, मतलब दूसरे वर्ल्ड में डाला है, ठीक है। वही सीड है मेरे वर्ल्ड का ही है, पर ये देखो जैसे कि मेरा विलेज भी यहाँ पे, और देखो सामने वहाँ पे हमारा कासल है, यहाँ पे हमारा फार्मिंग एरिया था लेयर फार्मिंग का, और वहाँ पे हमारी केव थी जहाँ पे अपन ने माइनिंग किया था, और हमें कुछ भी नहीं मिला था लिटरली, बस आया क्या डायमंड्स, 6-7 डायमंड मिले होंगे, और बहुत सारे आयरन तो मिल ही जाता है, ज़्यादा रेयर नहीं है, स्टार्टिंग में रेयर रहता है फिर उसके बाद रेयर नहीं रहता, कॉल वगैरह। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून, बाय बाय, सायोनारा।